अच्छा बीच में दबाना होता है वो दिखने में बहुत ये है हाईटेक है लेकिन है नहीं। ओह दिस सीटिंग पोजीशन उसके नीचे एक्चुअली ये भी है बोल्ट भी दिया है ड्रेन बोल्ट फ्यूल टैंक के नीचे वो मैं खुद भी कर सकता हूँ काम करके सीधा रेक्लेमेशन ही जाता है जैसा तुम बोलो भाई मुंबई तुम्हारा है हम तो गेस्ट हैं अब रिक्लेमेशन इज बीकेसी नो नहीं मतलब जस्ट बिफोर द सीलिंग सीलिंग पे दौड़ा है इसको फास्ट नहीं चला था मैं आई नेवर ड्राइव जितना भी 60 अरे इसमें तो फास्ट ही लगेगा ना 80 तक गए इसमें तो फास्ट ही लगेगा हाँ ये आवाज किया पीछे से पीछे वो आता है उस जमाने के बिकते थे कभी वैसे इसमें वो लिख के आता नहीं है इसका अलग नोटेशन होता है साइज का मतलब क्रॉस प्लाई टायर्स है इसलिए सो दे हैव अ डिफरेंट नोटेशन सम 5.42 समथिंग वैसा कुछ तो आता है वो है बट इफ यू वांट टू पुट रेडियल देन द साइज इज ये 2012 की जो स्विफ्ट आती थी VXI विद द R14 वो वाला साइज आता है इसमें ब्रेक जस्ट टेक्स अ लिटिल
बस अभी व्हेन यू गो टू फर्स्ट पुट इट इनटू सेकंड फर्स्ट देन गो टू फर्स्ट इट वोंट ग्राइंड सेकंड 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 पहले डाल हाँ फर्स्ट हाँ अभी याद आया ब्लॉग में करते हुए देखा है डालना ही पड़ता है इट डजंट गो फिर जाएगा एक पॉइंट के बाद कम टू मुंबई एंड बीन मतलब सबको मुंबई आने के बाद एक सपना जरूर होता है कि गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जाए यहाँ से आप सीधे रास्ते देखेंगे तो ये गेटवे ऑफ इंडिया का रास्ता पड़ता है और यहाँ पे काफ़ी सारे एज यू कैन सी ये ऐसे दुकानें एंड रेस्टोरेंट्स वगैरह लगे हुए हैं जिससे लगता है कि सारे सऊदी अरेबियन people come and stay here and it is true a lot of mansions and all Saudi Arabian people are staying in this area ye maine ek acha sa dukan khoda juice ke liye modern juice center and this is the place that I am having a mint lime soda jo ki kafi badhiya taste hai jab ye aap Taj hotel se सीधा राइट इनसाइड कुलाबा की तरफ आए तो ये मॉडर्न जूस सेंटर आपको दिखेगा यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक तरफ आपको जूस दिख रहा है और दूसरी तरफ खाना दिख रहा है एक ही जगह में दोनों चीज़ें सर्व कर रहे हैं मतलब डिविजन्स बना के So from here, if you wish to do a ferry ride, you can do that. यहाँ पे वो देखिए सामने फेरीज खड़ी हैं बिल्कुल गेटवे के सामने सी नो मैटर हाउ फेमस और हाउ वेल नोन द ताज मानसिंह द ताज महल होटल हियर इज यू जस्ट कैनॉट हेल्प बट एडमायर द वंडरफुल आर्किटेक्चर ऑफ दिस होटल इट ट्रूली इज एन आइकॉनिक आर्किटेक्चरल piece you can see two different types of domes there a semicircular dome and a pointed flame like dome and the balconies also if you look at the top floor and the floor below it un dono mein bhi thoda sa farak to hai hi hai and then the main dome and the domes on the sides are also different in their own unique way but whatever remains to be seen must be admired cherished and now remembered forever due to 2611 and this is the surrounding view And this is the surrounding view. Entrance to the Taj Mahal Hotel. A truly spectacular entrance to a truly spectacular hotel. Rare places यहाँ पे double decker electric buses चल रही है. This is I see it right in front of my eyes. चलो एडिटर 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 Now the Parsis are known for their amazing taste in food and cars. And यहाँ पे मुंबई में तो पारसी लोग बहुत रहते हैं
So there are very good restaurants, and my friend here took me to Britannia restaurant, which is located in South Mumbai, and it was truly an amazing experience. Even if the building was old, the kind of ambience created there really made you want to enjoy the food and cherish those moments. Later that same evening. ये सामने गेटवे बना है, यहाँ पे ये पूरा बैरिकेडेड है, बैरिकेडेड फॉर द सेक ऑफ टेकिंग मोटर बोट. मोटर बोट में इन लोगों का चार्जेस है 1500 पर पर्सन और इन अ ग्रुप इफ़ यू टेक अ मोटर बोट एंड नॉर्मल बोट एंड अ स्पीड बोट के लिए वो 3500 है, विच आई थिंक इज प्रोबेबली अ लिटिल टू मच टू पे. ऐसा तो है नहीं कि बोट में नहीं बैठे पहले. तो आई वॉज एक्चुअली कमिंग टू सी the gateway of India from up close. The weekend is a bit too crowded here, so कोशिश करते हैं और देखते हैं आपको हम. मुझे खुद नहीं पता मैं आपको कहाँ तक दिखा पाऊँगा. So let's take a moment and admire this gorgeous piece of architecture called the famous Gateway of India. इसके top domes के पास लिखा हुआ है, आई डोंट नो इफ यू कैन रीड इट और नॉट, बट इट सेज इरेक्टेड टू कमेमोरेट द लैंडिंग इन इंडिया ऑफ द इंपीरियल डायनेस्टी मैजेस्टीज किंग जॉर्ज फाइव एंड क्वीन मैरी ऑन द 2nd ऑफ दिसंबर एज पर द रोमन कैलेंडर MCM X1. सो या दैट्स इट. इससे ज़्यादा लेट मी फाइंड आउट एंड टेल यू. Is visible. The Gateway of India overlooks the Arabian Sea and it is in South Mumbai. It has been built on Apollo Bandar and it was to commemorate the landing of King George V and Queen Mary and in their on their visit in 1911, and that was when the foundation stone was laid. And this is the structure is actually an arch that has been built using basalt. And the height of the gateway is 85 feet, yani ki 26 meter. This is this one place in which you will find photographers still taking your pictures for 30 rupees a piece. काफी लोग घूम रहे हैं ऐसे गले में टांग के. हम तो खुद ही आए थे ये करने, खुद के लिए और आप लोगों के लिए.